यमन में कोविड-19 से नबर्द आजमा तिबी माहिरीन की मदद के लिए मुस्लिम चैरिटी और बीसीबी इंटरनेशनल ने फंड रेजिंग के हवाले से मुश्तरका तौर पर वर्चुअल इवेंट का अहतमाम किया। साइकिल सवारों ने फंड्स जमा करने के लिए सैकड़ों मील किए जाने वाले सफर का अख्तितम कार्डिफ में किया। यमन में कोविड-19 से मुकाबला करने वाले मेडिकल स्टाफ और हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किए जाने वाले 25,000 फेस मास्क और 10,000 फुल फेस प्रोटेक्टिव शील्ड यमन भिजवाई जा रही है। मुस्लिम चैरिटी बरतानिया के डायरेक्टर मारूफ पीरजादा ने अपनी टीम के रजाकारान साइक्लिस्ट रनर्स डोनर्स स्पोर्टर्स और मुआवनीन की काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि यमन में मौजूद हेल्थ प्रोफेशनल्स को लाहक खतरात से हम आगाह हैं। Partners on the ground, they are going to be distributing these to key workers as well as health professionals, doctors, nurses, because there's a dire need of PPE equipment in Yemen right now. Almost a fifth of the deaths in Yemen, the recorded deaths, are of medical practitioners, professionals, doctors and nurses. And you can just imagine the exponential effect that has on a medical professional dying who is working in a hospital due to COVID on the wider public. मुस्लिम चैरिटी के अहदेदारान और दीगर शुराका ने कहा कि मुस्लिम चैरिटी तिब्बी माहिरीन को फेस प्रोटेक्शन शील्ड मुहैया कर रही है ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। All these boxes that you see behind me, inshallah, they're going to be shipped out to Yemen where it's very, very needed. एक फेस शील्ड जो है ये एक डॉक्टर की मदद करेगी कि वो एटलीस्ट 53,000 लोगों को चेक कर सके। यमन में 10,000 लोगों के लिए 10 से भी कम हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं। मोहम्मद इदरीस, समा, बरतानिया।